अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा का मकसद ब्रांड सिग्नल जनरेट करना है और कि हमारे जो नॉलेज ग्राफ होता है उसको इन्हेंस करते हैं, लोगो, सोशल प्रोफाइल लिंक्स और कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए अगर आपके पास योस्ट है तो आप योस्ट के ज़रिए से इसे कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा आपके होम पेज पे होता है, इसे दूसरे पेजेस पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। योस्ट के सर्च अपीयरेंस में आपने जाना है और यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसका नाम और उसके बाद यहाँ पे लोगो ऐड कर देंगे। उसके बाद सेव चेंजेस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा आप इसके ऊपर लग चुका है, इसे चेक कर सकते हैं हम। गूगल स्ट्रक्चर टेस्टिंग टूल से तो ये देख सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। तो ऑर्गेनाइजेशन और वेबसाइट, इन दोनों में से आपने एक को यूज़ करना होता है। अब मैं आपको एक और प्लगइन बताऊंगा जिसके अगर आपके पास योस्ट नहीं है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये प्लगइन है मार्कअप जेसन स्ट्रक्चर्ड इन स्कीमा। इसकी सेटिंग्स ओपन करेंगे। और ये है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। यहाँ से अनेबल करेंगे, यहाँ पे होम पेज, और अगर इनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑर्गेनाइजेशन का, लोगो, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन, ईमेल, यहाँ पे कंट्री कोड, और अगर फ्री है तो टोल फ्री सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर दें। पेज क्लियर करेंगे। अब इसे चेक करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा आ रहा है ये, और ये जो हमने लिंक्स वगैरह ऐड किए थे ये शो हो रहे हैं। तो योस्ट और योस्ट से ज़्यादा बेहतर है ये ज़्यादा प्रोफेशनल है और इसमें ज़्यादा ऑप्शन है। तो पर्सनली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला प्लगइन यूज़ करें। तो उम्मीद है इस ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और इस सीरीज़ में एक एक करके मैं दूसरे स्कीमा को भी बताऊंगा कि आप दूसरे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।